बरेली जिला जेल से अशरफ को लेने आई प्रयागराज से एसआईटी की टीम, परिजनों ने बताया जान का खतरा। प्रयागराज में हुए अधिवक्ता के हत्याकांड को लेकर बरेली में इसकी साजिश रची गई थी। माफिया अतीक के भाई अशरफ ने अपने गुर्गों के साथ बरेली जिला जेल में ये साजिश रची थी, जिसको लेकर शनिवार को एसआईटी की टीम बरेली पहुंची। इस दौरान अशरफ के परिजन व वकील भी जिला जेल पहुंचे और अशरफ की जान को खतरा बताया है। उनकी सेफ्टी के लिए हम लोग आए हैं, उनके पीछे जाएंगे हम लोग, प्रयागराज से उनको लेने आए। क्या आपको डर है इनकाउंटर से? ये डर है, उनको धमकी दी गई थी, जब गए थे इलाहाबाद से उनको धमकी भी दी गई थी कि 2 हफ्ते में निपटा दिए जाओगे, इसलिए हम लोग आए। पूरे मामले को लेकर मांग करेंगे जी, हम लोग सीबीआई मांग करेंगे जी, फंसाया जा रहा है उनको। अच्छा, आपको नहीं लगता इस बार अखिलेश यादव ने बयान दिया था, उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी भी खिंच जाएगा, मुख्यमंत्री खिंच जाएगा, उसके बाद ये सारी चीजें हो रही है, तो क्या कहेंगे योगी जी से, क्या मांग करते हैं आप? हम लोग सीबीआई मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने ये बयान दिया कि मिट्टी में मिला देंगे, हम लोग ऑलरेडी 2 साल पहले मिट्टी में मिल चुके हैं, हमारे बंगले, हमारे अकाउंट, हमारे सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ बिल्कुल कंगाल हो चुके हैं हम लोग। कितनी करोड़ की प्रॉपर्टी आपकी चैनल से हम देखते हैं, सब जब्त कर ली गई है सर। हमारे ड्राइवर भागे हुए हैं कि हमारे बच्चों को स्कूल भेजने, ये हाल है। हम लोग इतना उत्पीड़न झेल रहे हैं, किसके पास किससे फरियाद करें? मुख्यमंत्री से ही तो फरियाद करेंगे। मिट्टी के मिलाने का अर्थ सर ये नहीं होता कि किसी को किसी की सड़क पर खड़ी करके गोली मार दी जाए या एनकाउंटर कर दी जाए। मिट्टी मिलाने का अर्थ होता है फाइनेंशियली उसको तोड़ दिया जाए। हम लोग 2.5-3 साल पहले सब कुछ, हमारी प्रॉपर्टीज, हमारे बंगलोस, गाड़ियां, हमारी सब कुछ खत्म हो चुका है। क्या मांग करते हैं? ये न्यायिक जांच जी, कैसे आना हुआ है? उमेश पाल हत्याकांड में जो है विधायक पूर्व विधायक जो है निवारण के लिए राजा के पुलिस यहाँ लेने के लिए आई हुई है, चूँकि हम उनके अधिवक्ता हैं, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे आए हुए हैं। क्या लग रहा है अभी तक? यही उम्मीद है कि प्रयागराज की पुलिस उनको यहाँ से ले जाकर एसीजन कोर्ट इलाहाबाद पेश करेगी, उसके बाद वहाँ से रिमांड। हाँ जरूर, कुछ उनके साथ जो है किसी अधिकारी ने ऐसी बात कही है कि पुलिस लाइन इलाहाबाद में ले जाके कि 2 हफ्ते में उनको निपटा देंगे, तो उसके जेल से निकाल के बाहर। तो पूर्व विधायक अशरफ जी ने ऐसा कहा है, तो जरूर उसमें कुछ शक होता है। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि इनकी जो है कोई भी पेशी तलबी होती है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराया जाए, उसमें सुरक्षा व्यवस्था अच्छे से प्रशासन को आदेश है कि निर्भर कराया जाए, जेल अधीक्षक जी को आदेश है कि सुरक्षा का पूर्व जो है ध्यान दिया जाए। तो आप लोग साथ नहीं जाएंगे उनके? जी हाँ बिल्कुल, अगर इनको यहाँ से निकाल के इलाहाबाद ले जाया जाता है प्रयागराज जनपद न्यायालय में, तो हम लोग इनके साथ जाए। कितने लोग हैं? कितने वकील हैं आप लोग? हम लोग 5 वकील हैं जूनियर हमारे साथ। ये भी जानना चाहेंगे उनके परिवार के लोग भी आए हुए हैं, कौन कौन उनके आया हुआ है, उनको भी डर सता रहा है, वो भी कहते हैं। उनके परिवार से पूर्व विधायक अशोक जी की बड़ी बहन है और उनकी पत्नी भी आई हुई है। उनके परिवार का मुख्य प्रश्न कोर्ट के जितने भी आदेश, जितने भी कोर्ट ने गाइडलाइन रखी थी, उसके मुताबिक काम कर रही है उनकी उनको।